श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बरगाड़ी दे विच होई बेअदबी की जांच रिपोर्ट अते उस तो बाद मोगा दे पिंड मलके दे विच एक बेअदबी मामले विच सजा दे ऐलान तो बाद पंजाब दी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी दे लीडर ने मनजिंदर सिरसा हालांकि दिल्ली दे रहण वाले ने इन्होंने ट्वीट किया घिनौनी आप पंजाब दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे दोषी नूं सिर्फ 3 साल की सजा का जश्न मनाउणा एक घिनौना है। आप पंजाब दा असली चेहरा बेनकाब होया है। बेअदबी करन वाले लोकां नाल सरकार हथ मिला रही है। इंसाफ लई लड़ रही सिख जथेबंदियां नूं आम आदमी पार्टी दे लुकवें एजेंडे दा विरोध करना चाहिंदा है कहा है मनजिंदर सिरसा ने। इस दे जवाब दे विच आम आदमी पार्टी दे मुख बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने कहा है कि धारा 295 तहत वध तों वध सजा ही 3 साल की हुंदी है। पंजाब सरकार ने बेअदबी मामलों के लिए सजा नूं उम्र कैद विच तब्दील करन लई धारा 295A लागू करन दा प्रस्ताव भेजा सी। केंद्र सरकार ने कोई जवाब जां मंजूरी नहीं दित्ती है। जाली खबरां फैलाउणियां बंद करो। हिरण मारन वाले लोकां नूं 5-5 साल सजा हो रही है और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपा की बेदबी करते 3 साल की सजा। आम आदमी पार्टी अज उन्होंने बेदबी करने वाले लोगों ने हथ मिला चुकी है। आम आदमी पार्टी वोटा की खातर यह बेईमानी करते पई है सिख कौम। मैं अज उन्होंने सारे लोगों को कहना चाहना है जिहड़े जथेबंदियां इस ते लड़ाई लड़ते रहे अज तुम चुप क्यों जे? क्यों तुम सिख लड़ाई की जी रिपोर्ट लैके आए उसको बंद कमरे च रख दिता? क्यों तुसी मजबूर जे सरकार दे के घुटने टेकण नूं? क्यों हुण जथेबंदियां चुप करके बैठे? क्यों नहीं रौला पा पा के गल कह रही कि 3 साल की सजा? इन्हां लोगों नूं उम्र कैद होनी चाहीदी सी, इन्हां लोगों नूं सारी उम्र जेलां च निकलनी चाहीदी सी। और 3 साल की सजा हो जाए आम आदमी पार्टी जिहड़ी ढंडोरे पुट के कहिंदी सी असीं जेलां दे अंदर लोगों नूं बंद करांगे? बड़े शर्म दी गल आ भगवंत मान जी, इन्हां लोगों का केस दी ट्रायल कराओ और इन्हां नूं उम्र कैद कराओ। कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी इस मुद्दे से पंजाब सरकार नूं घेरिया है। उन्होंने कहा कि सजा बहुत थोड़ी सजा है। बरगाड़ी गए से शुक्रवार नूं सुखपाल खैरा तत्थां संबंधी गलबात की। बरगाड़ी दे विच जिहड़ा पक्का मोर्चा बैबल कलां पिंड दे विच लाया होया है सुखराज सिंह नियामी वाला ने, जिसके पिता गोलीकांड दे विच शहीद हो गए सी, उस दे नाल मुलाकात की अते कहा कि पंजाब सरकार वालों बनाई गई सिट लोगों वालों रिजैक्ट कर दी गई है। नाल ही खैरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं अपील की है कि वह बैबल कलां गोलीकांड दे चश्मदीद गवाह नामजद कर दिते आ। बहुत सारे तत्थ ने, मैं बरगाड़ी जाके दसांगा, लेकिन यह रिपोर्ट जद तक असल गुनाहगार जिहड़े केजरीवाल ही कहिंदा सी कि मास्टर माइंड है, जद तक उन्होंने फड़िया जाता या उन्होंने उत्ते उन्होंने नामजद नहीं किया जाता उदों तक बेअदबियां दे मसले दे उत्ते रिपोर्ट प्रवान नहीं होगी। और जिहड़े चंद बंदियां नूं सजा हुई है कुछ भी नहीं, दिस अंग्रेजी च कहिंदे ने टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बहुत वड्डा गुनाह वा। जद तक इस गुनाह इन्हां गुनाहगारां नूं पूर्ण तौर ते सजा नहीं मिलेगी, ये गुरु नानक नाम लेवा दे हिरदे जिहड़े ओह शांत नहीं होणगे, धारावां नहीं लगदियां। तां ही ओह हाई कोर्ट ने उस नूं जमानत दित्ती और ये जमानत मैं समझदा कि भगवंत मान दी सरकार दे मूंह ते बहुत वड्डा चपेट है। कांग्रेस दे विधायक अते साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी आम आदमी पार्टी नूं घेरदे होए कहा है कि एमपी राघव चड्ढा जी तुसीं हाले भी कानून तों अनजाण हो। कांग्रेस ने इंसाफ लई लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है पर बदकिस्मती नाल तुहाडे 3 महीनियां दी सरकार साडे संघर्ष दा नतीजा लैके अपनी पिट थापड़ रही है। दरअसल राघव चड्ढा ने ट्वीट किया सी बेअदबी मामले दे विच इंसाफ तों बाद कि अकाली दल अते कांग्रेस बेअदबी दीआं घटनावां दे लई जिम्मेवार ने। अकालिया की सरकार दे वेले घटनावां वापरियां, कांग्रेस ने दोषियों नूं बचाया, हुण साडी सरकार ने दोषियों खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दित्ती है, एक भी दोषी बख्शिया नहीं जाएगा।